असलम व्यूवर्स, मैं हूं शाश्र गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल मशहूर टॉय एंड फैमिली रिव्यू। व्यूवर्स, आज मैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए पास्ता बना रही थी जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनता है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 1 किलो गोश्त चिकन ले लिया है। चिकन लेकर उसको धोकर उसमें 6 गिलास तकरीबन पानी डालकर मैंने उसको उबलने के लिए चढ़ा दिया है। उसमें सॉल्ट, ज़ीरा, गरम मसाला और लहसुन डाल के सिर्फ यही डालना है, डाल के उसको उबलने के लिए चढ़ा दिया है। उसके लिए मैंने मटर ले लिए हैं, ये भी बीच में जाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो मटर डालें, मटर और कॉर्न दोनों जाएंगे। तो यखनी तो उबलने के लिए मैंने चढ़ा दी है, तो आइए इसको बीच में डालते हैं और आगे क्या करना है वो बताती जाऊँगी आपको। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने उबलने के लिए इसको चढ़ा दिया है। ये देखें, इसमें ये गोश्त, 6 गिलास पानी है इसमें तकरीबन, और ये देखें इसमें लहसुन आप इस तरह से, ये देखें इस तरह से लहसुन, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने लहसुन डाला है, सॉल्ट डाला है, ये देखें लहसुन जो है मैंने, ये देखें साबुत लहसुन, इस तरह से आप साबुत लहसुन डाल सकते हैं। इसमें मैंने लहसुन और 6 गिलास पानी, नमक तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच डाला है, और 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच जो है गरम मसाले का पाउडर जो है, गरम मसाला पिसा हुआ है, जो पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन मैंने आधा चम्मच डाल दिया है, और नमक तकरीबन 1.5 चम्मच है और ज़ीरा 1 चम्मच। अब इसको उबलने देंगे। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा तो इसमें मैं मटर डालूँगी। देखें अभी मैंने मटर डालना शुरू किया, मटर डालूँगी और कॉर्न डालूँगी। देखें व्यूअर्स, मैंने मटर और कॉर्न जो है वॉश करके, मैंने कॉर्न निकाले थे, भुट्टे जो हैं कॉर्न निकाल के उसको वॉश करके स्वीट कॉर्न वो डाल दिए, मटर और स्वीट कॉर्न दोनों डाल दिए। पहले मटर डाले, फिर धो के स्वीट कॉर्न भी डाल दिए। चाहे आप दोनों साथ डाल दें, अलग डाल दें, इनको भी डालना है। और इसको हम पकने देंगे कि ये गल जाए। फिर उसके अगला स्टेप क्या है फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, पास्ता के लिए पहले हम डो तैयार कर लेंगे। मैंने तकरीबन 1/2 किलो मैदा लिया है, इसको छान लिया है मैंने, और इसमें ये देखें 1 अंडा डाल लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है, और थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल भी डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको मैश करने के बाद इसको गूंद लेंगे। देखिए व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, इसकी हम इस तरह से डो तैयार कर लेंगे गूंथ के। इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन और ज़ीरा भी ऐड किया है, मुझे अच्छा लगता है, हमारे घर में सब लाइक करते हैं इसको, तो मैंने ऐड किया है, वो ऑप्शन है। अगर आपका दिल चाहे तो इसको ऐड करें, वरना ज़रूरत नहीं है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। ये देखेंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से गूंद लेंगे। जैसे आमतौर पर आटा गूंदते हैं इसी तरह से इसको गूंद लें। अच्छी तरह से डो को गूंदना ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से डो बनाएंगे आप, उतना ही अच्छा जो है पास्ता बनेगा। आप इस तरह से गूंद भी सकते हैं और इसको मल मल के भी इस तरह आप डो को तैयार कर सकते हैं। देखें इस तरह से मलें अच्छी तरह से इसको। हल्का हल्का सा पानी लगाते थे और अच्छी तरह से इसको इस तरह से डो तैयार कर लें। इतना बड़ा देखें व्यूअर्स, इतना बड़ा पेड़ा ले लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक, इसको हमने बारीक रोटी बनानी है, इसको अच्छी तरह से बेलना है। इस तरह से इसको बारीक बिल्कुल रोटी हम बना लेंगे।
ये देखिए बस इस तरह से हम इसकी बारीक बारीक सी पट्टियां काट लेंगे। आप इस पे इसको मोटा भी रख सकते हैं, इसको आप चाहें तो बारीक बारीक भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह भी काट सकते हैं। ये देखें इस तरह से पट्टियां हम अलग कर लेंगे, ये देखें, चाहे तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से काट काट के आप इसको इस तरह से इसको फिर हम खोल लेंगे। देखिए इस तरह से ये आराम से खुल जाती हैं, इसको आप खोल लीजिए। ये देखें इस तरह से हम जितना हमने ये बनाए हैं, ये पास्ता जो बनाया है, इसका शेव आप डिफरेंट दे सकते हैं, आपको जो शेव पसंद हो आप उसको दे सकते हैं शेव। ये देखें इस तरह से सारे पास्ता को हम खोल लेंगे। इस तरह से सारा पास्ता खोल लें, इजीली ये खुल जाता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से इस तरह करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। इस तरह करने के बाद आप देखें बस इस तरह सब सेपरेट है। अब हम इसको जो यखनी उबल रही है उसमें डालते जाएंगे। इस तरह से ये देखें हम इसमें ये जहन में रखिएगा कि ये बॉईल हो रहा हो, ठंडा ना हो, ठंडे में मत डालिएगा। इस तरह से ये देखें ये बॉईल हो रहा था, इसमें मैंने डाल दिया। ये देखें सेपरेट रहे, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। ये देखें अब इसको सब जितना भी आप बनाना चाह रहे हैं इसको बनाते जाएं। और इस ये जो यखनी आपने बना के रखी है जो पक रही है अभी, उसमें पकते हुए डालते जाएं। ये जब बन जाएगी तो इसका लुक किस तरह से आता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा इसका लुक आ गया है। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल चिली ऑयल बना के रखा था। चिली ऑयल बनाना बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ऑयल लें, कुकिंग ऑयल या जो भी आप घी ऑयल जो भी यूज़ करते हैं। मैंने ऑयल लिया, उसमें मिर्ची तकरीबन एक चम्मच मिर्ची डाली, थोड़ा सा ज़ीरा, और इसमें गरम मसाला डाला है और नमक थोड़ा सा डाल के उसको भगार उसको अच्छी तरह से भून लिया ऑयल में ही, और वो ऑयल का इसको मैंने भगार लगा दिया। ये देखिए कितना प्यारा लुक आ गया है, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। देखें व्यूअर्स चिकन पास्ता विद वेजिटेबल मज़ेदार सा बन के तैयार है। ये बहुत आसानी से, और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बना है। आप जब पास्ता बना के डालते जाएँ तो इसको इतना पकाना है कि ये गल जाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब ये गल जाए तो इसको आप उतार लें। अगर आप फील करें कि इसमें पानी कम है, आपको जिसे फील होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से देखें, ये देखें सूपी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। ये आप घर में ज़रूर बनाइएगा, और इसमें कोई ये है मुश्किल बात नहीं है कि इसमें कोई चीज़ मुश्किल हो। आप इसमें इसकी गार्निशिंग के लिए धनिया और हरी मिर्च जो है इसे गार्निश कर सकते हैं। अव्वल तो इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहें अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाट का मसाला भी ऐड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगता है, आप कुछ भी नहीं मिलाएंगे, खाली इसको यूज़ करेंगे तब भी ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार है। आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।